हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू इंडी एथनिक। आज मैं बच्चों की बहुत ही प्यारी सी एथनिक जैकेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये दो जैकेट है, पिंक वाली बस मैं आइडिया के लिए दिखा रही हूँ। आप लड़के लड़की दोनों के लिए ऐसी जैकेट्स बना सकते हैं। धोतीज के साथ, सलवार के साथ, जींस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। टोटल लेंथ 22+2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 24 इंच में ले रही हूँ। ये 7 साल के बेटे के लिए मैं अपने बना रही हूँ। नेक 2 इंच या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। शोल्डर 6 इंच में ले रही हूँ। आर्म होल 5.5। शोल्डर स्लोप नहीं लेने पर, अगर शोल्डर स्लोप लेना है तो 6 इंच। चेस्ट में 8 इंच ले रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेजरमेंट्स। वेस्ट 7 और जो हिप है वो मैं 9 ले रही हूँ। तो इस तरीके से ये 5 से 10 साल के बच्चे को आप मेजरमेंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करके आप बना सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ जैकेट बनाने के लिए। स्ट्राइप वाली फैब्रिक है जो आजकल बहुत इन है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग लाइनिंग पे करेंगे, क्योंकि जैकेट्स में लाइनिंग लगती हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। दो पल्लों को हम फोल्ड करके रख लेंगे और सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 23-24, जितना कि मैंने बताया था। हर बच्चे की साइज़ अलग अलग होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। शोल्डर 6 इंच में मार्क कर रही हूँ और आर्म होल भी 6 इंच करिए अगर आप शोल्डर स्लोप लगा रहे हैं, नहीं तो 5.5। तो इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल अपनी कुर्ती में करते हैं, इस तरह करके हम बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और सबसे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसा कि मैंने अपने मेजरमेंट्स में बताया था, 8 इंच में मार्क कर रही हूँ। हर बच्चा अलग हेल्दी होता है, कुछ पतले, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ लंबे, कुछ थोड़े से छोटे। तो आप, हर बच्चे का साइज़ अलग है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। 6 इंच पर मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था 7 होगा इसका फिटिंग का निशान। तो इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा आपके बच्चे का। 5 से 10 साल के बच्चे का आप आराम से इस मेजरमेंट को फॉलो करके थोड़ा ऊपर नीचे करके बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, हिप के लिए मैंने 9 इंच पे मार्किंग की। आप चाहे तो 10 पे भी कर सकते हैं, कितना ढीला आप लेना चाहते हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल का जो कर्व बनाते हैं, बहुत सिंपली हमें एक सीधे हाथ से फिटिंग वाला जो मार्क है उसको मिलाते हुए निकाल लेना है। इसमें ये बच्चों की जैकेट है तो हम फ्रंट और बैक कुछ भी नहीं करेंगे, एक सिंपल सा कर्व बनाएंगे बस। उसके बाद 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 2.5 आप बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नीचे भी उतना ही 2.5 हम कर लेंगे और इसको गुलाई दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट का गला हो जाएगा, कॉलर लगाएंगे हम इसमें। बैक के लिए हम अलग से करेंगे। उसके बाद लगभग 1.25 इंच टाइप पे हम शोल्डर स्लोप करेंगे। मैं शोल्डर स्लोप लगा के आपको दिखा रही हूँ, बट मैं कट नहीं करूँगी। बच्चे का है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत है, बट आपको लगता है कि नहीं ज़रूरी है तो आप ज़रूर शोल्डर स्लोप भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से लगभग हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है और उसके बाद अब हमें बस कट करना बाकी है। उसके बाद फ्रंट वाला गला हम कट कर लेंगे और फ्रंट पल्ले को हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जो हमारी फिटिंग का है मार्किंग है उसको ट्रेस कर लेंगे दूसरे साइड में और उसको हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद कपड़ा खोल लेंगे फ्रंट वाला पल्ला और बीचों बीच से हम बराबर से कट कर देंगे। इससे 2 पल्ले अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। अब ये फ्रंट वाला पल्ला हम लेंगे और पीछे साइड में हम इस तरह से गले का 1/2 इंच की गोलाई देंगे, जिससे कॉलर हमारा अच्छे से इसमें बैठे। आप नहीं चाहते हैं तो गोलाई ना भी दें, पर गोलाई दे देंगे तो अच्छे से कॉलर लग जाती है। 1/2 इंच बस दीजिएगा या उससे भी कम दे सकते हैं तो दीजिएगा, हल्का सा बस गोलाई देना। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला हो गया। अब लाइनिंग को हम फैब्रिक पे रख के बराबर बराबर से कपड़ा कट कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं आप। और पिंस लगा दिया है हमने, तो देख सकते हैं हमने पूरा फैब्रिक कट कर लिया है लाइनिंग के बराबर। अब हम किनारे किनारे एक कच्ची सिलाई चलाएंगे, क्योंकि पिंस लगी हो तो सिलाई करने में हाथों में चुभती है। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पल्ला लेंगे जो कि बीचों बीच हमने किया था,
और इसको हम पट्टी से फिनिश करेंगे। हम प्लेकेट नहीं लगा रहे हैं, बस पट्टी लगा के पीछे पलट रहे हैं। इस पे हम बटन और हुक और काज जो भी करना है वो करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीधी सी पट्टी लेंगे और इस तरीके से सीधे साइड में इसको रख के पीछे की साइड में पलट के डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। प्लेकेट डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने पीछे पलट के अच्छे से प्रेस करके उसको डबल फोल्ड करके देखिए अच्छे से बिठा दिया। तो सबसे पहले हम ऊपर एक टॉप स्टिच चलाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड का जो बीच से हमने कट किया था उसको पट्टी को फिनिश कर लेंगे। तो देखिए जो डबल फोल्ड करके प्रेस किया है हमने उसको हम एक सिलाई चला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे पट्टी बनानी है या आर्म होल जहाँ फिनिश कर रहे हैं या नीचे जो हेम फिनिश करना है तो उसको आप प्रेस करके फिनिश करेंगे तो बहुत अच्छे से बैठेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी पट्टी हम फिनिश कर लेंगे उसी तरीके से, सेम प्रोसेस से। जो फ्रंट का दोनों पल्ला है उसकी पट्टी फिनिश कर लीजिए आप पहले। उसके बाद हम अपने दोनों कंधों को जोड़ लेंगे। उसके बाद हम अपना आर्म होल फिनिश करेंगे। तो आर्म होल फिनिश करने के लिए मैं यूज़ करूँगी बायस स्ट्रिप, जो कि क्रॉस पट्टी होती है जो स्ट्रेचेबल होती है। मैं सिंपल पट्टी सेम फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कंट्रास्ट कर सकते हैं अगर आप गर्ल के लिए बना रहे हैं। तो बॉय में थोड़ा सा हम सोबर रखेंगे, गर्ल्स में तो आप बहुत सारी अच्छी अच्छी लेसेस लगा सकते हैं। तो इसको सेम उसी तरीके से हम पीछे पलट के और नीचे साइड में पहले ऊपर एक स्टिच चलाएंगे फिर पीछे साइड में डबल फोल्ड करके स्टिच चला के अच्छे से आर्म होल दोनों साइड का फिनिश कर लेंगे। तो जैसा मैं बता रही थी आप गर्ल बॉय दोनों के लिए ऐसी जैकेट बना सकते हैं। आप फेस्टिवल में सलवार और धोतीज के साथ यूज़ करिए और नॉर्मल डेज़ में आप चाहें तो इसको जींस के साथ भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली लड़के तो जींस के साथ पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए हमेशा ऐसी जैकेट बनाती रहती हूँ। अगर सूट्स में से कुछ फैब्रिक बचते हैं तो मैं ज़रूर अपने बेटे के लिए जैकेट बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल फिनिश हो चुका है। अब हम कॉलर बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी देख रहे हैं आप इसको एग्जैक्टली नाप लेंगे कितना इंच आ रहा है और कितने इंच का हमें कॉलर बनाना है। तो आप ये देख सकते हैं 14 इंच का हमें कॉलर चाहिए। तो एग्जैक्टली 14 इंच का ये मैंने बुकरम लिया है। आप फ्यूजन पेपर पे भी बना सकते हैं कॉलर, पर मैं सिंपली थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम करूँगी। और इसको देखिए मैंने एक फैब्रिक पे रख लिया है और इसको हम प्रेस करके अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए मैंने प्रेस करके बुकरम को अच्छे से चिपका लिया। ऊपर से एक फोल्ड हल्का सा हम फैब्रिक का करेंगे और ऊपर एक सिलाई चलाएंगे जिससे बुकरम फैब्रिक के साथ अच्छे से सिल जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल वाला तरीका मैं बता रही हूँ कैसे हम कॉलर बनाएं। उसके बाद जो बुकरम है उसके किनारे किनारे एकदम किनारे किनारे एजेस पे हम सिलाई चलाएंगे। ध्यान रहे बुकरम पे नहीं चलाना है, बुकरम के एकदम किनारे किनारे से चला लेना जहाँ तक बुकरम है। और उसके बाद इसको हम एक बार और पलट देंगे। तो देखिए पलट के अच्छे से हमने इसको प्रेस करके साइड भी एजेस मोड़ के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको पलट के सीधा साइड करेंगे और इसके एजेस पे हम एक सिलाई चला लेंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल बेसिक सा तरीका है कॉलर बनाने का। तो इस तरीके से ऊपर से हम एक टॉप स्टिच चला लेंगे। मैं बुकरम पे ही बना रही हूँ, आप चाहें तो फ्यूजन पेपर भी बना सकते हैं, ये सबसे आसान वाला तरीका है। तो इस तरीके से टॉप स्टिच चला लीजिए। अब हम अपने जैकेट में इस कॉलर को इस तरह से देखिए पिंस की सहायता से कच्चा कर लेंगे। आपके पास पिंस नहीं सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। उसके बाद पक्की सिलाई चलाएंगे तो आपका कॉलर अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। अब इसको हम देखिए सिलाई पार्ट को अंदर करके ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। और आपका थोड़ा भी इधर उधर अच्छे से नहीं बैठ रहा है तो अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ज़रूर अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली हमारा कॉलर लग चुका है।
अब हम अपने फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो आपने अच्छे से मार्किंग की है तो आपकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे सीधे सिलाई इस तरीके से लगा लीजिए दोनों साइड में। उसके बाद नीचे का हेम सिंपली हम डबल फोल्ड करके एक सिलाई चलाएंगे। तो जैसा कि मैं बता रही थी, ये लड़के का है तो इसमें बटन्स में यूज़ करें। अगर लड़की का है तो आप पॉम पॉम्स, नीचे टैसल्स लगा सकते हैं, ग्लिटर वाली लेसेस लगा सकते हैं, और ट्रस्ट मी धोती के साथ बहुत अच्छी लगने वाली है। और अगर बॉय है तो बॉय वाली सलवार या धोती सलवार के साथ, या नॉर्मल डेज में आप जींस के साथ भी पहनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। और बहुत सारे हमारे सूट के फैब्रिक्स होते हैं, उसमें से आधा मीटर 1 मीटर बच जाता है। तो अगर अच्छा फैब्रिक है तो अपने बेबी के लिए ज़रूर बनाइएगा। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच चला देंगे हम, जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये मैंने अपने ड्रेस से बचे हुए कपड़े का ही बनाया है। जल्दी मैं वो ड्रेस दिखाऊंगी मैंने कौन सी ड्रेस बनाई थी। फेस्टिव सीजन है इसलिए मैं ये पहले डाल रही हूँ। तो देखिए, अब हम मार्किंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें बटन्स लगाने हैं। 100 बटन्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आप और डिफरेंट लेसेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बटन्स लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और उसके नीचे देख सकते हैं आपने सेम प्लेसेस पे मैंने हुक्स लगा लिए हैं, और वहाँ पे दूसरे साइड में काज लगाए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बंद हो जाएगा। और देखिए, हमारा जैकेट पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, ऊपर ओपन है। तो देखिए, हमारा जैकेट बन के बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को